हेलो स्टूडेंट्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी और आज हम लोग क्लास 10 साइंस के फिजिक्स के चैप्टर 1 पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों में एनसीईआरटी पैटर्न ही चल रहा है। तो ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो सबसे पहली बात तो प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। सेंसेशन ऑफ विजन का क्या मतलब होता है? सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब होता है दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना मतलब उसकी अनुभूति, दृष्टि संवेदना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये हो गई हमारी प्रकाश की परिभाषा। और प्रकाश के कुछ अपने गुण होते हैं। अच्छा, प्रकाश कितने प्रकार का होता है? प्रकाश 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइट। नंबर 1 पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट। नंबर 2 अवरक्त प्रकाश, और तीसरा है दृश्य प्रकाश। तो इस चैप्टर में जो हम प्रकाश की बात करेंगे वो दृश्य प्रकाश के लिए करेंगे। दृश्य प्रकाश के लिए हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। दृश्य प्रकाश जिसे हम अपनी आँख जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के अब गुण देख लें। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश का सबसे बड़ा गुण तो यही है कि प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। अब वैद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं? वे तरंगे जिनमें वैद्युत का गुण भी हो और चुंबकत्व का गुण भी हो, उन्हें हम वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। और नंबर 3, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? प्रकाश तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3500 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ए नॉट को हम क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या है? वेवलेंथ की यूनिट है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होती है। तीसरी बात, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। और प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण जैसी घटनाएं संभव हैं। प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन,
विवर्तन, और व्यतिकरण जैसी सभी घटनाएं होती हैं, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में केवल अपवर्तन और परावर्तन ही हमको पढ़ना है, विवर्तन और व्यतिकरण नहीं पढ़ना है। अब प्रकाश के सोर्सेस क्या हैं, लाइट के सोर्सेस क्या हैं, लाइट हमको जिन किन वस्तुओं से मिलती है, जो जिन वस्तुओं से हमको लाइट मिलती है वही लाइट के सोर्सेस हैं। जैसे सन, सन हमारा लाइट का सोर्स है, और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये सब हमारे लाइट के सोर्सेस हैं। तो लाइट के सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक ल्यूमिनस एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस को हिंदी में बोलते हैं दीप्त प्रकाश, ल्यूमिनस को हिंदी में बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, प्रकाश नहीं, दीप्त वस्तुएं। ल्यूमिनस ल्यूमिनस को हिंदी में बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विच ऑब्जेक्ट्स हु इमिट्स लाइट, विच ऑब्जेक्ट्स हु इमिट्स लाइट, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुओं को ही हिंदी में प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। तो दीप्त और प्रदीप्त एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे प्रकाश कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न करती हैं? सबसे ज्यादा प्रकाश तो सूर्य उत्पन्न करता है, तो सूर्य, तारे, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती जला के रख दें तो वो प्रकाश का स्रोत होगा। इसी तरह जो जो भी हो, जो आपने देखा हो कि ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है, वो सारी दीप्त वस्तुएं हैं। दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, नॉन, नॉन लग गया मतलब निगेटिव, यानी कि दीप्त वस्तुएं, तो इसका उल्टा हो जाएगा अदीप्त वस्तुएं। या इसको कहें तो अप्रदीप्त वस्तुएं। नॉन ल्यूमिनस क्या होंगे? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब दीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करें तो वो हमें दिखाई देती हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, क्या ये लाइट इमिट कर रहा है? नहीं, तो ये अदीप्त वस्तु हुई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा मून है, चंद्रमा, वो अदीप्त वस्तु है। वो कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है, ये हमको ध्यान रखना है। चंद्रमा दीप्त वस्तु इसलिए है क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उस सन से प्रकाश लेके चार्ज होता है, उसके बाद हमें विजिबल होता है। चंद्रमा कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। और अदीप्त वस्तुओं के नाम बताइए, जैसे मेज, बुक, ETC, जो जो भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 के सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे बोर्ड पेपर में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश का परावर्तन। इसे बहुत ध्यान से समझना है। प्रकाश का परावर्तन। तो इधर हम फिगर देख लेते हैं, उधर डिफिनेशन देखेंगे। ये हमने कोई कांच का स्लैब ले लिया है, कांच का टुकड़ा है, इसमें पेंट कर दिया है। इसमें क्या कर दिया हमने? पेंट कर दिया है, ठीक है। और किसी कांच के स्लैब में एक हम 90 डिग्री पे रे एज्यूम कर लेते हैं। ये कोई रे होती नहीं है, विजुअल नहीं होती है, इसे हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि कोई रे 90 डिग्री पे है। तो जो रे 90 डिग्री पे है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है। और इधर से कोई प्रकाश, यहाँ पे मान लो टॉर्च रखी हुई है, टॉर्च, इससे लाइट रेज निकल रही हैं, लाइट रेज निकल रहे हैं, कोई लाइट रे आई है ऐसे, कोई लाइट रे ऐसे आई जो इधर की ओर आती है, तो उनका एरो हम ऐसे रखते हैं। जो रेज आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण। हिंदी में बोलते हैं इसे आपतित किरण। कोई इंसिडेंट रे आई, कोई प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई, टकरा के नीचे तो आ नहीं पाएगी। नीचे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें हमने पेंट कर दिया है। पेंट करने से लाइट रे नीचे नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी तो यहाँ पे आई, टकरा के इधर वापस लौट जाएगी। यहाँ पे आई, टकराई यहाँ पे और ऐसे वापस लौट गई। इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ का टकरा के वापस लौट जाना, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट रे, या हिंदी में कहें तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये रे इधर की ओर जा रही है तो इसका एरो इधर की ओर रहेगा, ठीक है। अब तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है, टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट गई ना, नीचे थोड़ी ना आई है, तो टकरा के उसी माध्यम वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो जिस तल से, जिस तल पे परावर्तन होता है इसे हम बोलते हैं परावर्तक तल। जिस तल पे परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। और तीनों लाइनें जहाँ पे मिलती हैं इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन की क्या परिभाषा बनेगी? जब कोई प्रकाश किरण आती है किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से, टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को काहे से इंडिकेट करते हैं? आई से। इसी तरह नॉर्मल रे और रिफ्लेक्ट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट एंगल, एंगल आर, परावर्तित कोण, इसे हम बोलते हैं परावर्तित कोण। तो अपवर्तन के, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम बना? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से
टकराती है तो टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है, टकरा के इसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन का नियम। बोर्ड पेपर में इससे एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहे या शॉर्ट आंसर के रूप में रहे, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहे या शॉर्ट आंसर के रूप में रहे, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हमसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीसन पूछ लेगा या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल पूछ लेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। नंबर एक, कौन कौन क्या होता है, पहला रूल क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, जो हमको दिख भी रहा है, फिगर में साफ साफ दिख रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम नंबर दो क्या है? नियम नंबर दो है आपतन कोण। आपतन कोण को काहे से इंडिकेट करते हैं? आई से। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण आई किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा देखिए, परावर्तन की घटना हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। हम लोगों के घर में शीशा है, शीशे के पीछे पेंट हुआ होता है, कभी शीशा टूट जाए तो उसको देखना, तोड़ के ना देखना, नहीं मम्मी मारेंगी भी बहुत। ठीक है, तो उस शीशा जैसे हम लेते हैं धूप में दिखाए, तो जब सूर्य का प्रकाश शीशे पे पड़ता है फिर हम देखते हैं कि उसका उसकी चमक कहीं और दीवार में अलग दिखती है, जाके दिखती है अलग। तो ये क्यों हो रहा है? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। शीशे में पीछे पेंट हुआ है तो ये एक चिकना पॉलिशदार तल बन गया, इसमें जब लाइट रे पड़ी, सन का प्रकाश पड़ा तो टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट गई और कहीं और जाके उसकी चमक दिखने लगी। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब क्या है? अभिलंब 90 डिग्री पे एक रे हम एज्यूम कर लेते हैं। अभिलंब जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, उसे हम मान लेते हैं कि कोई किरण 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें निकल रही हैं लगातार सभी एंगल में, कोई 90 डिग्री पे, कोई 30 डिग्री पे, कोई 30.9 डिग्री पे, कोई फिक्स्ड नहीं, मतलब हर एंगल पे निकल रही हैं। तो कुछ हमने एंगल में ले ली और एक फिक्स्ड एंगल में ले ली। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में एक
अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन क्या, जैसे हमारे यहाँ सड़क है, सड़क, रोड, दीवार, ये चिकने तो होते नहीं हैं, लेकिन इनमें भी परावर्तन होता है। तो इनकी वजह से जो परावर्तन होता है उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब कोई प्रकाश किरण सड़क, दीवार, रोड या किसी खुरदुरे सतह से टकराती है तो टकरा के इधर उधर सभी दिशाओं में फैलने लगती है। इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन इन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। नियमित परावर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनियमित परावर्तन हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है।